हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियंता मैथ्स। दोस्तों, अभियंता मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे टेक्निकल जॉब और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, लाइक शेयर भी करना ना भूलें। लाइक शेयर करने में आप सब बहुत कंजूसी करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग। किसके बारे में? बिहार तकनीकी सेवा आयोग, BTSC JEE रिजल्ट्स के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, LRC राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि LRC अमीन भर्ती के बारे में। तो देखिए दोस्तों, LRC अमीन भर्ती 2022 क्या है दोस्तों? 2022 जितने भी डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं सिविल ब्रांच वाले, उन सबों के लिए यह गुड न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, क्या उन सबों के लिए यह जो है बहुत ही अच्छी खबर है अमीन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब BTSC में जो है ना सारे ब्रांचेस वाले कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है। दोस्तों, LRC अमीन की बहाली जो है, देखिए ध्यान दीजिए, LRC अमीन की बहाली जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग में 8300 सीटें जो है सीट बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है वैकेंसी जो है, इसका फॉर्म जो है ना कब से भराएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना सवाल पूछ रहे थे। तो नेक्स्ट वीक से फॉर्म भराएगा। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट वीक से क्या है आपका फॉर्म जो है भराना शुरू हो जाएगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि मार्क्स बेसिस पे ही सेलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, कोई परीक्षा नहीं होगी इसमें। ठीक है ना, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग अमीन की बहाली होगी। ठीक है ना दोस्तों, 4 गांव पे एक अमीन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 4 गांव मिलाकर जो है ना एक अमीन की बहाली होगी। और इसका फॉर्म जो है फिलअप कब से होगा दोस्तों? तो नेक्स्ट वीक से फॉर्म जो है भराना शुरू हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC JEE रिजल्ट्स बहुत जल्द आएगा। कब आएगा दोस्तों? बहुत जल्द आएगा, क्योंकि समझिए, ध्यान दीजिए कि BTSC JEE रिजल्ट्स जो है उसका सारा काम लगभग में पूरा हो चुका है। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट फर्जी पकड़ाने के वजह से दोस्तों रिजल्ट में थोड़ा डिले हो रहा है। ठीक है ना, दोबारा ऑब्जेक्शन लिंक जो है ना एक्टिव भी किया जाएगा कुछ कैंडिडेट्स जो हैं उन सबों के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो BTSC JEE रिजल्ट्स जो है ना अक्टूबर लास्ट वीक तक जो है आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऑफिशियल न्यूज है, क्योंकि कुछ कर्मचारियों से मेरी बात होती है। ठीक है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में, तो उन सबों ने ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन दिया है। आई होप आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।